So guys, we are starting our rocking session. I hope you will enjoy this video. और चलो भाई, first question कहता है, what did the pilot of the Dakota encounter 150 kilometer away from Paris? जब पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था डकोटा का पायलट, तो उसका सामना किस चीज से हुआ? रिकाउंट हिज एक्सपीरियंस इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, जब वो काले घने बादलों के बीच में फंस गया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में बताना है एक्सपीरियंस उसने कैसा किया, और अच्छा तो किया नहीं था, जो भी स्टोरी थी लिख देना। 80 वर्ड्स में इसको लिखना है। 2010 में 6 मार्क्स में आया था। अभी हालांकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड रियलिटी द सेकंड टाइम? किसा गौतमी को रियलिटी सेकंड टाइम क्यों समझ में आई? इन व्हाट वे डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, गौतम बुद्ध ने उसकी सोच को किस प्रकार से बदला? तो ये भी 6 मार्क्स में आया था 2010 में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज लोमोव, नॉट व्हाट, हु इज लोमोव, लोमोव कौन है? व्हाई डज ही विजिट चौकअप, वो चौकअप के यहाँ क्यों जाता है? 4 मार्क्स में 10 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नाटालिया रियली अ सिख लव सिख कैट एज कॉल्ड बाय हर फादर? हाँ, इसका आंसर तो यस था ही ना। इफ इट इज सो, व्हाई डज सिख क्वारल विद द लोमोव, अगर ऐसा था तो उसने लोमोव से झगड़ा क्यों किया? एक तो उसका नेचर भी था कि हमेशा लोमोव से या हर किसी से वो झगड़ा करती थी, तो इससे रिलेटेड तुम आंसर लिख दोगे। और एक एक बात को ध्यान रखना, द प्रपोजल एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं भाई, हमेशा आते हैं, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल होने वाला तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमांडा से, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, व्हाई डज अमांडा सी सो, अमांडा ऐसा क्यों कहती है? जो साइलेंट है वो गोल्डन है और जो फ्रीडम है वो बहुत ही आनंद देने वाला है, अमांडा ने ऐसे क्यों कहा? 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, 10 में आया था। हालांकि अभी हो सकता है कि इससे मिलता जुलता किसी और पैटर्न पे कम मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हरी सिंह रियलाइज डैट अनिल न्यू डैट हिज मनी हैड बीन स्टोलन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरी सिंह को इस बात का एहसास कैसे हुआ कि अनिल जानता था कि हरी सिंह ने उसके पैसे चुराए हैं? तो वही वाला इंसिडेंट भाई, जब वो पैसे निकाल के देता है और देखता है कि नोट गीला था, तो उसको समझ में आ जाता है कि घर में तो पैसे रखने से गीले हो नहीं जाएंगे, तो इससे रिलेटेड आंसर लिख दोगे, इजी है। नेक्स्ट, व्हाई डिड रिचर्ड एब्राइट गिव अप टैगिंग बटरफ्लाइज? रिचर्ड एब्राइट ने बटरफ्लाई को टैग करना क्यों छोड़ दिया था? 4 मार्क्स में 10 में ये क्वेश्चन आया था, 14 गलती से यहां लिखा गया है, 4 मार्क्स में लिख रहा था, 10 के जगह 14 लिखा गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, व्हाई डिड माटिल्डा नॉट लाइक टू विजिट हर फ्रेंड मिस्टर फॉरेस्टर? मिसेज फॉरेस्टर जो कि माटिल्डा की दोस्त थी, उसके घर माटिल्डा जाना क्यों नहीं पसंद करती थी? क्योंकि माटिल्डा भाई, उसको हमेशा से लग्जरी लाइफ चाहिए होती थी, लग्जरी लाइफ उसको मिल नहीं रही थी, और मिसेज फॉरेस्टर जो थी उनका लाइफ बहुत लग्जरी था, तो उसको देख के जेलस ही होती थी इसको। ऐसा नहीं था कि मिसेज फॉरेस्टर कोई शो ऑफ करती थी, ऐसा नहीं था, माटिल्डा को जेलस ही होती थी कि भाई मेरा जीवन ऐसा क्यों नहीं है। नेक्स्ट, हाउ डज थिंक टैंक कंपेयर द मार्टियंस विद द पीपल ऑफ अर्थ? मार्शियंस लोग जो है, मार्टिन मैंने गलत पढ़ दिया, जो मार्शियंस लोग है उसको किस प्रकार से तुलना किया गया अर्थ के लोगों के साथ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कुर्ग्स वेदर, कुर्ग जो है उसका वेदर कैसा है, उसके ब्यूटी के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बताना है। व्हेन इट इज द मोस्ट प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग, कौन सा मंथ सबसे अच्छा होता है कोई भी टूरिस्ट को कुर्ग जाने के लिए? 11 में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी? टी के बारे में बहुत सारी कथाएं बताई गई हैं, बहुत सारे टेल्स हैं, उन टेल्स के बारे में तुम्हें लिखना है। उन टेल्स में भी जो चाइनीज टेल्स है उसके बारे में, चाइनीज कहावत क्या थी, चाइनीज लोगों का क्या कहना था, उसके बारे में लिखना है। 11 में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था बुआ जी। नेक्स्ट, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ गौतम लीव द पैलेस एंड बिकम अ बैगर? जो प्रिंस सिद्धार्थ है गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना राजमहल क्यों छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए? ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में हमारा आया था 11 में। नेक्स्ट, सॉरी, हम बात करें द ऑथर सेज द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि जो बेकर है और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं मरता है?
2011 में 3 marks में अगेन ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि बेकर का भाई जो लाइफ था गोवा में एक समय में क्या शानदार हुआ करता था, किसी भाई रईस लोग से कम नहीं माने जाते थे। हाउ डिड द ऑटर बिहेव इन द बिगनिंग, ऑटर जो है शुरू में कैसा बिहेव करता है, हाउ डिड ही बिकम फैमिलियर विद द ऑथर, और धीरे धीरे ऑथर के साथ कैसे उसकी दोस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वली, वली किस टाइप की एक बच्ची है। इलस्ट्रेट योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट दैट यू हैव रीड, जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है, जो किताब में पढ़ा है, वली के बारे में क्या कुछ जाने हो इसके बारे में बताना है। 5 marks में 2011 में ये क्वेश्चन आया था। व्हाट डज बिल से अबाउट लुटकिंस कैरेक्टर टू द नैरेटर, ये डिलीटेड है, टेंशन नहीं लेने का, हटा देने का। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ऑथर के अनुसार एक आदमी में क्या सभी गुण होने चाहिए जिससे कि वो साइंटिस्ट बनता है, या साइंटिस्ट बनने के लक्षण होते हैं, जैसे तुम्हारे भी लक्षण होते हैं ना, लगता है कि भाई ये पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है, या छपड़ी लोग को देखते हो उसको लगता है ये छपड़ी ही है, तो तुम लोग में कौन से हैं ऐसे कि जिनको देख के ही कोई बता सकता है पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला है, वैसे ही ये क्वेश्चन 11 में 3 marks में आया था। नेक्स्ट 18 number, व्हाई डिड फॉरेस्टर नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मैटिल्डा, जो मैडम फॉरेस्टर थी वो बाद में मैटिल्डा को क्यों नहीं पहचान पाती है भाई, क्योंकि उसने उसका नेकलेस खो दिया था और उसके लिए पैसे अर्न करने के लिए, खरीद के दोबारा देने के लिए इतनी मेहनत की, उसकी स्थिति खराब हो गई थी, देख तक के पहचान में नहीं आ पा रही थी। इससे रिलेटेड आंसर है, आई होप कि तुम समझ गए होगे। 19 number है, हाउ डज थिंक टैंक इंटरप्रेट द लाइब्रेरी फाउंड बाय द क्रू ऑन द अर्थ, व्हाई डज ही आस्क ओमेगा टू ईट अ बुक, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस पे थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12 में आ जाते हैं, 2012 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वाट अनयूजुअल रीजंस डिड रामलाल सेंड भोली टू स्कूल, किन कारणों के से रामलाल को भोली को स्कूल भेजना पड़ा था। वाट वॉज द लॉयर्स फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ लुटकिंस, लुटकिन को लेकर लॉयर का पहला इम्प्रेशन क्या था। वाई डिड ही चेंज हिज ओपिनियन अबाउट लेटर ऑन, ये तो अभी हमारा क्या है डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू ऑफ एब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, एब्राइट का इस विज्ञान की दुनिया में 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बताना है। 3 marks में 12 में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट मेंशन एनी, ये तो हो गया। हाउ डिड अ बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ, जो उसकी मां ने उसको किताब दिया था उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया। 4 marks में 12 में, व्हाट आर द वेरियस रिलीजन अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। 5 marks में 12 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज नातालिया, नातालिया किस टाइप की पर्सन थी, और उसके नेचर को दिखाने के लिए कुछ एग्जांपल भी देना है। 12 में 5 marks में अगेन, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजविल टू द बाथरूम, जब मैक्सवेल मिजविल को बाथरूम ले जाता है तो क्या होता है इसके बारे में बताना है, और कुछ दिनों के बाद वो कैसा रिएक्ट करता है। 2 marks का ये क्वेश्चन आया था। व्हाई डज लोमो विश टू प्रपोज नातालिया, 2 marks का इजी क्वेश्चन। How is Goa Baker still an important part of the life of a Goan village? Goan के जो बेकर, गोवा में जो रहने वाले बेकर हैं, अभी भी गोवा के लाइफ में किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 marks का ये क्वेश्चन। और लास्ट, आफ्टर हर सन डेथ वाई डच कीसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, अपने बेटे के मर जाने के बाद कीसा गौतमी घर से घर क्यों भटकी, क्यों भटकी भाई, मस्टर्ड सीड दे दो, मस्टर्ड दे दो, क्योंकि बुद्धा जी ने कहा था जाओ ऐसे घर से मस्टर्ड ले आओ जहां कोई नहीं मरा हो, तो मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, तो इसी से उनको सीख मिली थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2010, 11 और 12 के। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर तुम्हें इसका PDF चाहिए तो Instagram पे मैसेज करना, मैं तुम्हें PDF भेज दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखे और पढ़ाई करते रहे यार। बाय बाय।